बहुत ही सस्ता और जो है ना कारामंद नुस्खा है। फिक्स इस तरह हो जाते हैं ना, पर नीचे खिलार के ये सुस्त होके खड़े रहते हैं, ये आप देखेंगे। एक ये है तो आज चूजों में ये इनके हाजमे को भी बेहतर रखता है, पोट को भी बेहतर रखता है, मेदे को भी बेहतर रखता है। जी हाजी साहब का माल है, ये आप देख सकते हैं सारा। ना हाजी साहब, मुर्गियाँ पालना जो है ना वो बहुत ही एक अजीब किस्म का काम है। यहाँ तो आप फार्मिंग कर लें, अगर नहीं तो आप घर में जो है ना वो गुजारे के लायक पाल लें बस। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में खुश आमदीद। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो है आपको मुर्गियों के बारे जो है ना वो चूज़ों के बारे मुर्गियों के बारे जो है ना मुख्तलिफ किस्म की टिप्स आपको बताते रहते हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि जिन चूज़ों में ये जो गले की प्रॉब्लम है, ठीक है, ज़ुकाम है, उनके लिए एक जो है ना बेहतरीन आपको फार्मूला बताएंगे, जिसका 5 दिन का इस्तेमाल जो है ना 5-6 दिन का इस्तेमाल इंशाल्लाह आपके चूज़ों को जो है ना वो हेल्थी बना देगा। देख सकते हैं ये भी बीमार है, इसके भी पंख और ये देखें। यूनिमिंट का कारमेचर मिक्सर इसको बोलते हैं, इस पे ये जो है ना ऊपर जो है मिंट वो के जो है ना वो पत्तों की तस्वीर बनी हुई है, साथ में जानवरों की तस्वीर बनी हुई है। बहुत ही सस्ता और जो है ना कारामंद नुस्खा है। तो इसका आपने करना क्या है कि जब सुबह या शाम जब आप अपने चूज़ों को पानी दें तो फी किलोग्राम में जो है ना 5 cc जो है ना इसको शामिल कर दें। दिन में एक मरतबा दें, या अगर आपको लग रहा है कि आपके चिक्स जो हैं वो ज़्यादा कमज़ोर हैं या ज़्यादा बीमार हैं तो दिन में 2 मरतबा जो है ना ये 5 दिन जो है ना मुसलसल मिक्सचर जो है ना ये इनको 2 लीटर में जो है 10 cc जो है ना वो पिलाएं। इसके अलावा और भी अगर किसी किस्म का इनको मसला होगा तो इंशाल्लाह जो है ना ये 5 या 6 दिन के इस्तेमाल में जो है ना इनकी जो है ना आपको खुद ही नज़र आएगा कि आपके जो है ना चिक्स अभी परफेक्ट हैं, इनमें किसी किस्म की कोई बीमारी जो है ना वो उसके साथ जो है ना कम है। तो बेहतर तो यह है कि आप इनको जो है ना वो अपना इनकी गज़ा जो है वो उनको ठीक दें, आमतौर पर इनको कुदरती माहौल जो है ना वो दिया जाए, क्योंकि कुदरती माहौल में जो है ना ये बिल्कुल ही बिल्कुल जो है ना वो इजी रहते हैं। जैसे कि बाहर माहौल है आप देख सकते हैं, इसमें इनको खाने के लिए कोई समझ लें कि कीड़ा जो है ना वो भी मिलता है, सब्ज़ा भी मिलता है, तो इससे ये जो है ना वो हेल्थी रहते हैं और इनके जो है ना बीमार होने का वो ख़तरा बहुत कम है। ये आप देख सकते हैं कि हमारे चूज़े जो है ना वो यहाँ पर सारे जो हैं वो बिल्कुल जो है वो इंजॉय कर रहे हैं अपने कुदरती माहौल में। यहाँ पे आपको दिखाते हैं, ये देखें ये वाइट चूज़ा जो है ना, ये इस तरह जो चूज़े मसलन पर डीले खड़े करके खड़े रहते हैं, खाते पीते नहीं हैं, तो इनमें जो है ना वो समझ लगे बीमारी जो है ना वो बीमारी का असर इनमें जो है ना वो पाया जाता है। एक इसके साथ ये चूज़ा, ये ब्लैक चूज़े के दूसरी जानब, वो ये देखें इस तरह पर नीचे खिलार के ये सुस्त होके खड़े रहते हैं, ये आप देखेंगे। एक ये है तो आज देख सकते हैं आप, हमारा जो ये मेला एक बहुत ही ये तंद खूबसूरत और तंदुरुस्त है। ये एक चीज़ और है, पैनाडोल आपने गोली लेनी है, एक पता ले लें। तो जो ज़्यादा बीमार आपको लग रहा है ना उसको हाफ जो है ना वो गोली वो पैनाडोल की भी खिला दें, पर ये पानी जो है ना वो 5-6 दिन जो है ना मुसलसल इनको पिलाएं। जितने भी आपके पास चिक्स हैं जिस चीज़ में बर्तन में आप पानी इनको रखते हैं उसमें ये लाजमी डालें, इससे जो है ना उनका ये जो गले की जो मसला है ना वो केरा किस्म का होता है बोलते हैं उसको, वो जो है ना इसके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। ये इंशाल्लाह जो है ना वो 5-7 दिन में जो है ना इसको बेहतर कर देगा। आप देख सकते हैं ये पानी वाला बर्तन है हमारा, ये जो है ना ज़्यादातर पानी तो ये बाहर से पीते हैं, एक टाइम जो है हम ये रखते हैं इनको, अभी जब इनको बंद करेंगे
रात को, तब इनको दाना डालेंगे अंदर, क्योंकि वैसे तो ये यहाँ से ही जो है ना वो खाते रहते हैं सब्ज़ा वगैरह, यहाँ जो कीड़ा मकोड़ा इनको मिलता है। तो लेकिन जब शाम को हम रखेंगे दाना तो तब ये जो है ना पानी चेंज कर देंगे, इस ताज़ा पानी रखेंगे, उसमें जो है ना दोबारा जो वो है वो मिक्सचर डाल देंगे, क्योंकि ये तो इतने ज़्यादा चूज़े तकरीबन 80 आ गए हैं, तो इन्होंने ये तो कुछ भी नहीं पिया, इसका मतलब कि ज़्यादातर पानी जो है बाहर से पीते हैं। तो कोशिश करें जब आप दवाई का इस्तेमाल कराएं तो उसमें जो है ना वो बाहर से पानी ना पिएं, दवाई वाला पानी जो है ना वो इस्तेमाल करें, ऐसा ना हो कि आप पानी रखें वो चूज़ों को खोल दें तो वो बाहर से पानी पी लें, तो इस तरह इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा जी, आज की वीडियो में जो आपको ये नुस्खा बताया ना, ये बहुत ही कारामंद है, तो इंशाल्लाह ये आप लाजमी अपने चूज़ों को दें, सही ये आपको बहुत अच्छा नतीजा मिलेगा। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, इसी तरह हमारे और वीडियो जो है ना आपको हम चूज़ों के मतलब जो है वो देते रहेंगे, तो हमारे चैनल को देखते रहें, जिसमें आपको चूज़ों के मतलब और इनकी बीमारियों के मतलब जो है ना वो और मालूम दी जाएगी।